हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अगला सेम। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी अभी नवोदय विद्यालय समिति ने ये अनाउंस किया है कि JNVST 2020 फेज़ टू का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसी के साथ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या फेज़ वन का रिजल्ट भी पोस्टपोन करा जाएगा। आपके सामने मैं स्क्रीन पे ओपन करने वाली हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। NVS एडमिशन क्लास वन एक्स डॉट इन NVS एडमिशन क्लास 9 डॉट इन पे आपको ये नोटिस दिखेगा। अभी क्लास सिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 11 अप्रैल 2020 इन रेस्पेक्ट ऑफ विंटर बाउंड JNVs इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। रीशेड्यूल डेट विल बी कम्युनिकेटेड। जैसा आप लोगों को पता होगा कि JNVST जो है क्लास सिक्स एडमिशन के लिए जो होता है वो दो बार कराया जाता है। फेज़ वन में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए होता है और फेज़ टू में कुछ दूसरे स्टेट्स के लिए होता है। फेज़ वन का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुका है और फेज़ टू का जो एग्ज़ाम है वो भी अप्रैल में होना था। ये जो फेज़ टू वाला जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करा गया है। आइए मैं आपको इसकी बाकी डेट्स एक बार दिखा देती हूँ। आपके सामने इसका मैंने इसका ब्रोशर ओपन करा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 661 नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है। 11 जनवरी में फेज़ वन का एग्ज़ाम हो चुका है और 11 अप्रैल को फेज़ टू का एग्ज़ाम होना था इन स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स अरुणाचल प्रदेश के, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के एंड कुछ वेस्ट बंगाल के। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इसके जो रिजल्ट आते हैं वो दो अलग डेट्स पे आते हैं। अब पिछली बार इसका फेज़ वन का रिजल्ट 29 मार्च को आया था, तो इस बार भी अभी एक्सपेक्टेड तो यही है कि फेज़ वन का रिजल्ट अभी इसी हफ्ते में आना चाहिए। पर अभी इस न्यूज़ के आने के बाद ये आशंका है कि ये रिजल्ट पोस्टपोन हो सकता है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि पिछली बार फेज़ टू का जो रिजल्ट है वो 30 मई को आया था। अब अगर फेज़ टू का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो जाहिर है कि उसके साथ साथ रिजल्ट भी पोस्टपोन हुआ जाएगा। पर फेज़ वन का रिजल्ट पोस्टपोन होगा कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर इसके बारे में कोई भी और जानकारी लेनी हो तो नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल हो इसको लेके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।